गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का गुड मॉर्निंग हो रहा है शोरूम से। हमारे बाइक यहाँ पार्क है, शोरूम अंदर है, बट यहाँ पर जो हमारे KTM के जो मैकेनिक हैं वो इस गाड़ी को देखेंगे, जो दीपक भैया हैं, जो लोकल एरिया बोकारो धनबाद के जो भी लोग हैं वो इजिली इनको पहचान जाएंगे, इनको फेस देख के ही कि कौन है। बजाज का जो भी काम होता है वो जस्ट इसके अंदर होता है। लेट मी शो यू, ये है बजाज का शोरूम, यहाँ सारे काम होते हैं। तो मेरा काम यहाँ पर होगा, स्पेशल होगा। आराम से बैठेंगे हम और बाइक का काम होते हुए एंजॉय करेंगे। और बाकी अंदर में भी होता है बजाज काम, बट वहाँ पर नहीं। हमको चाहिए था स्पेशल ट्रीटमेंट जो मिल रहा है। तो ये रहा मेरा मॉड्यूल का ऑयल, तो फिलहाल इसको यहाँ रख दिए। और ये रहा मेरा चेन ल्यूब जो हम लेके आए थे खुद से, इसको यहाँ रख देते हैं। बाकी प्रोसेस स्टार्ट होता है। ऑयल का कंडीशन ऑलमोस्ट खत्म से ज़्यादा खत्म। ल्यूब है ही नहीं इसमें, तो दे दो क्या बताएं। तो फाइनली वहाँ का जो मीटर था वो हो गया था क्रैक। कैसे हुआ था हमको नहीं पता, बट हो गया था। अब यहाँ पर ब्रांड न्यू मीटर लग रहा है। ब्रांड न्यू मीटर कहाँ है पता, कहाँ है दिल्ली में मीटर, ये वो ले गया। ये रहा ब्रांड न्यू मीटर, इसका कॉस्टिंग था 2300 रुपये ना, 2300 का कॉस्टिंग था मीटर का। अभी रिप्लेस होगा, इसको रिप्लेस करवाते हैं। तो ये है मेरा सेकेंडरी मीटर जो क्रैक कर चुका है, और ये क्रैक धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। इसके अंदर पानी जाने से फिर ये पूरा सर्किट से अटैच रहता है, तो फ्यूज हो सकता था और मे बी वायर को भी डैमेज कर सकता था, इसलिए हमने इसको चेंज ही करना सही समझा। जो यहाँ पर हमारा ब्रांड न्यू मीटर लग रहा है, और बहुत बेहतरीन तरीके से टंकी की सफाई हो रही है। टंकी की सफाई हो जाता है, तो पूरा क्लीन हो गया है, तो साफ हो चुका है। अब पानी नहीं लगेगा ताकि उसमें जंग नहीं लगेगा। तो वीडियो ये नेक्स्ट डे शूट हो रही है, क्योंकि सर्विस के दिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा रात हो गया था, तो वीडियो फुटेज तो अच्छा आता नहीं। तो फिलहाल सर्विस में हमको एक चीज़ पता चला कि हम लोग चेन पे कितना भी मेहनत कर लें, बजाज डोमिनार का चेन ऑलमोस्ट 10,000-12,000 पे वो ख़त्म हो ही जाता है, क्योंकि हम लोग का जो राइडिंग स्टाइल है उसके मुताबिक तो इतना चल गया, बहुत बड़ी बात है। और इस चेन पे लुब्रिकेंट कौन सा अच्छा करें, तो हमारे दीपक भैया ने हमने सजेस्ट किया है, जो KTM के 12 साल से जो एक्सपीरियंस है उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप HP का 95 का जो आता है लुब्रिकेंट वो यूज़ करो, वो मोटिव बाकी सबसे बहुत अच्छा बेटर रिजल्ट देगा। तो फिलहाल हम वही यूज़ करने वाले हैं इस पर। और गाड़ी पहले तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी, बट जब इसका जहाँ से वो ब्रीथ करती है, जो फिल्टर वगैरह है वो भी चेंज हो गया। कहीं हम लोग एरिया थोड़ा डस्टी एरिया है, यहाँ पर दिक्कत हो जाता है, हर 8,000-6,000 में वो ख़राब हो ही जाता है, तो वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। और आप लोग तो सजेस्ट कीजिएगा कि ये विंडशील्ड फ्रंट से देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बट गाड़ी जब हम चलाते हैं तो मेरा कैमरा की विज़न ख़राब कर देता है, कैमरा में आधा से ज़्यादा यही एरिया कैप्चर कर लेता है। तो इसको हम चेंज करने वाले हैं। कोई ज़रूर बताइए कमेंट में कौन सा विंडशील्ड अच्छा रहेगा, अगर किसी को आइडिया होगा तो। फिलहाल गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है, हमको नंबर प्लेट चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि यह नंबर प्लेट में भी क्रैक आ रहे हैं, और पीछे का एक 0 सिक्किम में कहीं गिरा था, आज तक ये नहीं लगा है, इसको चेंज करना पड़ेगा। में जो खर्चा पड़ा है वो मेरा पड़ा है ओनली 800 रुपये। बाइक जो अच्छे से ब्रीथ करती है ना, तो बहुत ही अच्छा तरीके से भागती है। मेरी बाइक पहले ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, अभी भी और ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है। इस सर्विस के बाद बाइक का पूरी तरीके से जान में जान आ जाता है। पीछे का इसका ब्रेक का इतना बुरा हाल था कि कहने, इतना गंदा हाल था ब्रेक का, वो ब्रेक लगता ही नहीं था, मतलब हमको लगा था पीछे का ब्रेक था ही नहीं मेरे पास। तो जब से उसको लुब्रिकेंट हुआ है, उसको सिलेंडर खोल कर बनाया गया है, उसको बाइक फील हो रहा है हमको, हाँ कि ब्रेक काम करता भी है। और BS6 चलाने के बाद हमको लगता है मेरे पीछे का ब्रेक था ही नहीं भाई, बट फिलहाल अभी 100 में से 10% पहले फील होता था, बट अब लगता है कि हाँ 50% मेरा ब्रेक अभी है। एक ही काम रह गया है, चेन पॉकेट, तो वो भी जल्दी हो जाएगा। और आने वाले वक्त में एटलीस्ट अभी 5-6 हज़ार तक मेरा टायर का लाइफ है, तो टायर भी चेंज करवाएंगे, कुछ ऑफ रोडिंग लगवाएंगे। सो अभी मुलाकात करते हैं मिस्टर सुमित से,
क्योंकि वो हमारे लिए लाया है नया वाइजर, क्योंकि इस वाइजर थोड़ा सा ख़राब हो चुका है वाइजर, और लाए हैं ब्लिंकर। तो पहले मिलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर इतना ज़्यादा बालू रोड में डाल दिया है कि यहाँ कर्व लेंगे तो छितरा जाएंगे। तो ये रहा मेरा वाइजर जो कि टिंट ब्लैक है ना, जो सेम का लगा हुआ था। और यह मिस्टर सुमित जो पूरा मेहनत करते हुए खोल रहे, तोड़ बंद है ना, कुछ चिपकाए उसके से, नहीं तो फिर अभी दिक्कत हो जाएगा। अब खुलेगा कि लगेगा भगवान जाने, लग के भी दिखाते हैं। तोड़ दिया। तो पीछे का हम लोग स्पॉइलर भी अपडेट करवाए थे जब हम लोग गए थे रांची, और ये एमटी का लगा हुआ स्पॉइलर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो फिर इसको लगा लेते फिर दिखाते हैं आपको कैसा दिखेगा। ये प्रोफेशनल एयरक्राफ्ट लाइट, इसको लगा लिए ताकि पीछे से इजीली हेलमेट और हम उन्हें विजिबल हो जाए। बाकी ये विंगलेट इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसके नीचे में जस्ट हिडन हो जा रहा है लाइक दिस, देखने में प्यारा लग रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर हेलमेट हो गया तैयार, उतार दे उसको, घर ले जाए इसमें राम। सुमित का गोप्रो चोरी हुआ था और इसमें ट्रैकिंग लगा के लड़का ढूंढा है तो यहाँ पर टूट गया है गोप्रो का लेंस। तो अभी फिलहाल लेंस यहाँ है तो इसको भी चेंज करना पड़ता है। तो चेंज करने के लड़का लेके चले गया था। तो चेंज करने पे इसको वापस लाके उनको दे उसको यूज़ करने नहीं आया। तो फिलहाल अभी लेंस निकाल दिए हैं, अब उस पर लेंस लगेगा और ये भी रेडी हो जाएगा ये भी। तो अभी हम लोग निकलते हैं अपने घर की ओर, और होप सो वीडियो देखने में पसंद आ रहा हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं इसी तरह कोई नेक्स्ट वीडियो में। Welcome aboard.